भाई दो थार और आ गई अपने पीछे से, और ये ओए होए होए क्या ही कह दे, क्या ही कह दे भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। और पीछे देख पा रहे होंगे भाई आज बहुत सारी थार, तो थार देख के भाई ये तो समझ ही गए होंगे कि आज कहाँ जाने वाले हैं। तो ऑफ रोडिंग के लिए हम जाने वाले हैं, और भाई एक से एक खतरनाक मॉडिफाइड थार। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई अलॉय लगने के बाद ऑफ रोडिंग में दिक्कत आती है, अब ये देखो भाई कितने लो प्रोफाइल टायर है, बट फिर भी ऑफ रोडिंग होती है। तो अभी चलते हैं भाई यहाँ से, सबसे मिलवाते एक बार और उसके लिए निकलते एक बढ़िया जगह। तो भाई फाइनली अपना सारा ग्रुप, दहिया जी, संदीपा जी, की हाल चाल, कैसे हो भैया? अरे तो भाई सब रेडी है, बस कुछ खा रहे थे, अब यहाँ से निकलेंगे ऑफ रोडिंग के लिए। तो भाई जिमनी भी है अपने साथ, और थार तो है ही, और बहुत सारी थार है भाई, आपने देखी ली होगी। L2 भी लेके चले गया, तो मैं पहले डीजल डलवा लेता हूँ, तब तक बाकी चार गाड़ियाँ और आ रही है वो सब आ जाती है, तो उसके बाद निकलेंगे। तो डीजल डलवा लूँ तब तक मैं। तो भाई डीजल भी हो चुका है अपनी गाड़ी में 1101 का, इतना इनफ है, कुछ पहले भी था, और अभी सुई चली जाएगी भाई और भी ऊपर। तो बस यहाँ से निकलते हैं, और अगर टाइम से पहुँच गए अंधेरा होने से पहले, तो आप देखना मज़ेदार व्यू है भाई, और ऑफ रोडिंग तो खतरनाक होने ही वाली है। बाकी बॉनफायर वगैरह भी करेंगे, प्लस में ऑफ रोडिंग के बाद मैं जाने वाला हूँ स्टूडियो, क्योंकि तुम्हारे भाई का जो सेकंड वाला गाना आया है कल या परसों में उसका शूट करेंगे और गाना लिखाएंगे बहुत जल्दी। भाई इस गाड़ी अपनी तरफ लग चुकी है, और लाइन में भाई पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, पीछे गाड़ी इतनी है, ये देखो सारी गाड़ी लाइन में सेट हो चुकी है। लो जी भाई फुल ट्रैफिक जाम। तो जी हम थोड़े आगे आगे रुक गए, बिकॉज आपको दिखाना भी तो है भाई कैसी लगती है जब एक साथ इतनी सारी थार जाती है। तो ये देखो लाइन से आ रही है भाई, सब मज़ा ही आ रहा है। और अभी देखना पीछे से देखना एक और आएगी, अरे वाह भाई सेक्सी खतरनाक, वाह जी वाह। लो बाकी गाड़ी भी आ रही है, मोड़ है ना इसलिए, ये देखो यहाँ से हमें लेफ्ट चलना है भाई, आ गई सारी गाड़ी, अब निकलते हैं, अब तो लाइन हो गई बढ़िया। तो जी फाइनली जंगल के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, और भाई मजा आ रहा है पूरा, सच बताऊं खतरनाक मजा आ रहा है। बिकॉज जैसे ही गांव में से निकले ना भाई, सारे लोग ऐसे देख रहे भाई ये कहाँ जा रहे हैं, और अभी देख लो बिल्कुल डीप में जाते जा रहे हैं हम, और लास्ट में जिस लोकेशन पे पहुंचेंगे ना वहां देखना भाई, मतलब जगह देख के ना दिल ही खुश हो जाएगा। बस मेरे को ये कि सूरज ढलने से पहले, मतलब पूरा कॉम्पिटिशन है, और हमें जाना भी है अभी यहाँ से 8-10 किलोमीटर के आसपास, ऐसा पूरा ऑफ रोड ट्रैक है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ी खींच के चले गाड़ी, बट ये कि भाई पीछे अब देखो सारे पीछे रह गए, तो थोड़ा इस वजह से स्लो चलना पड़ रहा है, बिकॉज अगर अंधेरा हो गया फिर मज़ा नहीं आएगा, तो अंधेरे से पहले पहुँचना है हमें। हमारी गाड़ी आ चुकी है वहाँ, और जसप्रीत पाजी है अपने साथ, तो पाजी मेरे साथ खींच के आ रहे थे भाई पूरे, बाकी ग्रुप रह गया पीछे। तो हमने सोचा तब तक बाकी आ रहे हैं यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, बट थार भाई इजी, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला भाई सच बताऊँ ना। अभी देखो गाड़ी पूरे गड्ढे पे, और बड़े प्यार से निकल गई, ये तो रास्ते में हमें ऐसे ही मिला, हमने सोचा, मैंने कहा पाजी और हम ट्राई कर लेते हैं जी, इजी था, अभी जो आगे करेंगे उसमें मज़ा आएगा। बार बार रुकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ स्लो चल रही है, उस पाजी की गाड़ी अपने साथ चल रही है, बीच में चार बार रुके हम, और मतलब अब तक पहुंच जाते भाई हम लोकेशन में पहुंच जाते, अब यहाँ मंदिर है, एक मंदिर के यहाँ पहुंचे, तो बस आगे लोकेशन में पहुंचने वाले हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले आपको व्यू दिखा दूँ, बिकॉज जो खतरनाक व्यू आता है वो देखो भाई, वो देखो वहाँ अगर आपको दिख रही है वो जा रही नील गाय। फाइनली भाई एक गाड़ी और आ गई, आ रही है सारी गाड़ी लाइन से आ रही है, अब ठीक है भाई सारी गाड़ी आ गई, और गाड़ी भी पीछे मेरे को जिमनी भी दिख रही है, यहाँ जिमनी भी आ रही है, और जिमनी के पीछे पीछे और भी आ रही है, धूल उड़ गई पूरी। गाइस फाइनली लोकेशन पे पहुँच गए, और अपनी गाड़ी लग चुकी है, और मैं और पाजी तो भाई काफ़ी खींच के चल रहे थे आपको दिखाने की वजह से, और ये अपनी गाड़ियाँ अभी बाकी सारी गाड़ियाँ आ रही है खींच के, भाई आगे लगा लो लेफ्ट में, और ये देखो भाई यहाँ से व्यू देखो,
ये है जी असली जगह, मतलब वो मूवी देखी है भाई, कौन सी, कोई मिल गया, ओम 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 ओम, वही वाली पहाड़ी है ये देखो गाइस। और गाड़ी अभी भाई सारी आ गई, तो नीचे चल के हमें करनी है वहाँ ऑफ रोडिंग, पानी भी भरा हुआ है, सारा सीन सेट है। ये वाला एक ट्रैक भी जाता है, इस पर भी जाएंगे हम, अभी तो टाइम नहीं है। बाकी यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ऑफ रोडिंग के लिए। ओए होए होए, पूरा रोड जाम कर दिया पीछे तक, गाड़ी गाड़ी भैया जी हमें तो सुनो, अभी पता क्या हुआ, पाजी और मैं खड़े हुए थे आगे, पाजी ने कहा कि भाई गाड़ी पीछे रह गई, देख क्या, मैं भी गाड़ी तुम्हारे वहां से टच करके और वापस भी आ गया, मैं उतर के कह रहा हूँ पाजी से अभी तो आ रही है मजा है भाई। गाइस ये वाली चढ़ाई देखो भाई कितनी हैवी है और कितनी सुंदर जगह है भाई, ये सनसेट के टाइम पे आते तो और मजा आता भाई, बट क्या करे, कोई नहीं, किस दिन दोबारा। और अभी गाड़ी आने वाली सारी लाइन से भाई साहब, कहीं गैंग जा रही हो पूरी, कब्जा करने जा रहे भाई। ये देखो जी एक से एक गाड़ियां, ये देखो जिम, सीधा जाने दो, आगे थोड़ा आगे भाई साहब, बढ़िया तो भाई गाड़ी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एक इसके पीछे आ रही है, 8 12 13 गाड़ी थी हमारी शायद, तो अभी और भी गाड़ी आ रही होंगी, दिखाता हूँ अभी। तो भाई 2 थार और आ गई अपनी पीछे से, और ये आ गया अपना दोस्त, ब्रो क्या हाल, क्या हाल, सुनो हम एक गाड़ी थे, कई बार ऑफ रोडिंग करो, आज देख सिस्टम हैंग कर दे, एक बार ऑफ रोडिंग करता हूँ फिर खत्म हो जाती, फिर दूसरी। ओ माय गॉड, चलो घुमा ले, चल रहे आगे। तो भाई निकलते आगे, मजे 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 भाई, हमें मत खत्म करियो, दे 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 रेस दे, ना ना आज तू ना भाई, गाड़ी खत्म करनी हमें, तो क्या हाल है। चलो जी वो आ गई बाकी टीम, अच्छा भाई इंडियोर में है आज, मेरे को तो थार लेके आए हैं। तो भाई कुछ गाड़ियाँ आगे गई आप देख पा रहे होंगे, और बाकी भी ये आ गई सारी, तो ऑल सेट हो गया, चलते हैं। ओ भाई क्या सीन कर दिया भाई, धूल धूल वहां तक देखो पूरी गाड़ियाँ, क्या ही खतरनाक लग रही है यार, जैसे रैली के टाइम पे होता है ना पूरा वो वाला सीन सेट है इस टाइम, इतनी प्यारी लग रही है ना, मतलब फोन भी उस टाइप से भाई कैप्चर नहीं कर पा रहा वीडियो, बट भाई पूरे ऐसे ट्रैक पे गाड़ियाँ चलती हुई थार, एक नंबर, लाइट तो आप देख पा रहे होंगे सारी गाड़ियों की। ये देखो जी पूरे ट्रैक पे धूल है गाइस, जितनी ज्यादा धूल हो गई थी ना, मेरे को ना अपनी येलो वाली लाइट ऑन करनी पड़ गई भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा था व्हाइट लाइट में। तो ये गाड़ी अपनी सारी आगे लग गई, अब देखते हैं लोकेशन, और ये गाड़ी साइड भी करानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, बस पीछे 2 गाड़ी और अपने। तो जी भाई एडवेंचर अपना स्टार्ट हो चुका है, अभी तो गाड़ी हम लेके आ रहे हैं, इसमें नीचे तुम्हारे भाई की आ चुकी है, पीछे प्लान दिख रहा होगा, पास जाके दिखाऊंगा भाई, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे हैं। तो ये वाली थार आ रही है पहले, इधर रखना बस ये काट, पाजी। ओ भाई साहब, पाजी अगर बैग लो हल्की, बैग लो थोड़ी, बस घुमा दो पूरी इस तरफ घुमा दो भाई, गाड़ी देखो कहां से उतर रही है यार, सेक्सी, मजा आ गया, ये मजा आ गया, आने दो कुछ नहीं, इधर 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 इधर, बस बस सीधा आने दो आराम से। ओए होए 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 होए, क्या ही कह दे, बढ़िया क्या ही कह दे भाई, पाजी आगे गड्ढा है कभी सीधे जाओ
गाइस लोकेशन पे फाइनली पहुंच चुके हैं और अपने दहिया भाई भी, दहिया भाई क्या हाल चाल, और मेरे भाई बॉडी बिल्डर भाई भी है। भाई लेट आए पर आज इंडिवर में आए, ठुकी मैं थार तो ठुकती ठकती रहे भाई। देखो अपनी से ठुकती दोस्तों से ठुकती भाई, ये देखो पूरा पानी, ये देखो जी पूरा बढ़िया नजारा। लो जी लाइट भी ऑन हो गई भाई बाहर की, और बॉन फायर भी हो गया अपना सेट, और भाई बाकी सारी तैयारियां भी चल रही है, गाड़ी सारी लाइन से खड़ी हो गई, और अभी जल्दार हमारे साथ आ गए, और गाने ने तो सिस्टम हैंग कर रखा है भाई। सिस्टम ही फाड़ देगा, और गाना कल शूट करेंगे हम जहां तक है, उसके बाद जब कल इंस्टा पे तो आ ही जाएगा 100%, इंस्टा पे डाल देंगे कल एक बार सुन के। ये देखो भाई, ये जी भाई मजा, नजारे मजे आ गए। दिन में आएंगे किस दिन गाइस अभी आप देख नहीं पाओगे, काफी अच्छी जगह है, बट दिन के टाइम में आएंगे ना तब भाई फुल ऑफ रोडिंग होगी, पानी में से निकालेंगे। अभी थोड़ा लेट हो गए मगर जल्दी आते तो करते, बट ये अच्छा है भाई, अच्छे से आग चली। तो भाई देख लो क्या बढ़िया कैंपिंग चल रही है अपनी, और बोन फायर हो चुका है, यहाँ से लग रहा है कि हाँ भाई कुछ चल रहा है। क्यों अभी ब्रो? ब्रो जो वो कहते नहीं है कि कीचड़ में ही गुलाब खिलता है, वो वाला सीन, कीचड़ में ही खिल रहा हूँ भाई बीच में, ये देखो मजा ही आ रहा है बट। तो गाइस ये देखो भाई सारी गाड़ी अब अपनी आ चुकी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दो पीछे की गिलनी और एक मेरी, भाई 13 गाड़ी है। तो गाड़ी लगाते हैं और उस तरफ अपना चल रहा है बॉन फायर, ये देखो जी मजा ही आ जाएगा। अरे वाह भाई वाह, महफिल जम गई बढ़िया। और अभी यहाँ से चलेंगे हम एक कैंप है अपने भाई का, तो वहाँ भी दिखाते हैं। दमदमा लेक में पहुँच गए गाइस हम पहाड़ के थ्रू, और अभी जल्दार भाई। यस ब्रो, बहुत अच्छा लगा भाई, ग्रुप कैसा लगा आपका? बहुत जेन्युइन ग्रुप है और बहुत बढ़िया। बट भाई को ना ऑफ रोडिंग देखने के लिए नहीं मिली क्योंकि अंधेरा हो गया, तो ये पानी में से निकालनी थी। अब रात को रिक्स नहीं लेंगे भाई, तो किस दिन रिक्स लेना भी ना चाहिए, किस दिन दिन में आएंगे तब करते हैं, अभी इंजॉय करते हैं भाई। गाइस यहाँ से निकल रहे हैं हम, अपने एक फ्रेंड का कैफे है, सॉरी रिजॉर्ट है, वो दिखाते हैं आपको। तो भाई ये है अपने एक फ्रेंड का रिजॉर्ट, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है भाई। वहाँ ऑफ रोडिंग तो आज नहीं कर पाए, बट ये भी एक अच्छी जगह है भाई। ये देखो ये प्रॉपर ना जो आपको ये दिख रही है, एक हट बनी हुई है बहुत बड़ी, और ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ भाई नज़ारे। ये देखो भाई कितना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है, ये देखो भाई कैंप वगैरह सब बनाए हुए, दो बाग नाइट स्टे करते हैं यहाँ, और ये देखो जी। तो गाइस कैंप तो आपने देख लिया भाई, बट पूरा नहीं दिखा पाया आपको बिकॉज भाई बहुत ठंड लग रही है, बॉन फायर भी होती है। तो अपने कैंप के ओनर है मनीष भाई, और भाई कौन सी लोकेशन है, कहाँ है भाई? ये गुड़गांव में सोहना के पास, दमदमा लेक के पास। दमदमा लेक काफी फेमस है, सारे भाई जानते हैं। और पर हेड का क्या कर रखा है नाइट स्टे का? भाई नाइट स्टे का पूरा पैकेज जिसमें खाना वाना सब कुछ 1150 भाई साहब, 1150 ओनली 1150 में आपको नाइट स्टे, ब्रेकफास्ट भी है। हाँ जी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर नाइट स्टे, अगले दिन का ब्रेकफास्ट। हाँ। भाई भाई का कोई आपका इंस्टा पे है? ब्लू कैंप के नाम, द ब्लू कैंप के नाम से है, और गूगल लोकेशन पे डला हुआ है। हाँ भाई, तो भाई ब्लू कैंप दमदमा लेक, द ब्लू कैंप दमदमा लेक, चेकआउट कर लेना भाई जाके। और हम भी अभी निकल रहे हैं, हमें जाना है स्टूडियो, एक बार स्टूडियो पहुंच के अपने गाने का देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं। भाई साहब एकदम बीच में ना नीलगाय आ गई, मैंने गाड़ी साइड में रोक ली भाई, ये देखो ये इसका बच्चा है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई ये ना मतलब 10-15 फीट की हाइट को भी इजीली कूद जाते हैं, बड़ा खतरनाक सीन था भाई। मैंने गाड़ी पहले ही रोक ली, मैंने भाई इन्हें निकलने दो पहले, पता चले बड़ी स्ट्रांग होती है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम भाई स्टूडियो में, और स्टूडियो है अपने दिन्ने भाई का, क्या हाल है भाई? भाई बहुत बढ़िया जी। और हमारे जो भी गाने अभी तक रेडी हुए भाई नहीं करे, और सिंगर साहब से भी आपको मिला देते हैं। तो ये है अपने भाई संजू, नाम है भाई का भी, संजू बड़ाना भाई। तो भाई मेरे गाने अभी तक जो आपने सुने दोनों गाने भाई ने गाए हैं, और आगे भी भाइयों के साथ जुड़े रहना है। भाई ने स्टूडियो बना रखा है अपना भाई, किस नाम से है, कांटेक्ट करने के लिए क्या नंबर है, कांटेक्ट नंबर बता दो भाई। म्यूजिक वाणी के नाम से अपना स्टूडियो है,
और अपना कॉन्टैक्ट नंबर होगा 9953576070। और अपने पास ज़्यादातर काम वेस्टर्न का है, बहुत अच्छा काम है, और सभी भाई विजिट करें और एक बार टेस्ट देके। बाकी संजू भाई के गाने यूट्यूब पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनका टेस्ट देखना आप कैसा है। जी बहुत जल्द आने वाले हैं भाई, 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, और कोशिश रहेगी आगे और भी बढ़िया गाने लेके आए आपके लिए। प्लस में जितने भी भाई है ना, जिनको मतलब हो जाती है चुल की भाई हम भी करेंगे, तो करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी, बट हाँ अगर नॉलेज भी लेनी है तो भाई के नंबर पे कॉल कर लेना, बात कर लेना, एक आइडिया मिल जाएगा अच्छा सा कि भाई क्या क्या सीन होता है गाने का, क्या प्रोसेस है। और अभी भाई यहाँ से जाएंगे कैफे पे और बिजी होने वाले हैं, तो इस व्लॉग को वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया, यहीं एंड करेंगे। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।